उधर इसराइल की सेना ने गाजा सिटी के रंतीसी अस्पताल में हमास के हथियार होने के सबूत पेश किए। साथ ही अस्पताल के बेसमेंट में बंधकों को रखने का दावा किया। इसराइल की सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए अस्पताल के बगल में हमास आतंकी के घर को दिखाया और घर के पीछे एक सुरंग होने का दावा किया। साथ ही सुरंग के अस्पताल से जुड़े होने का दावा किया गया। और उनके अलावा शिफा अस्पताल में हजारों लोगों के फंसे होने का भी दावा किया गया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक 2500 से ज्यादा लोग इस अस्पताल में हो सकते हैं जो बाहर निकलने की हालत में नहीं है, क्योंकि शिफा अस्पताल भीषण जंग का अखाड़ा बन चुका है। वहां एक तरफ इसराइल के हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके भी इजरायली सैनिकों पर पलटवार कर रहे हैं। इस वजह से वहां अंदर जाना या अस्पताल से किसी का बाहर निकलना मौत को दावत देने के बराबर हो चुका है। अल जजीरा के मुताबिक इस अस्पताल में 650 मरीज और 500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हैं। उनके अलावा भीषण जंग से अपनी जान बचाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने वहां शरण भी ले रखी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से हुए हमलों में उसके 101 कर्मचारी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। दावा है कि किसी एक युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के इतने कर्मचारी पहले कभी भी नहीं मारे गए।